ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के 91वें राष्ट्रीय संत महंत अवैधनाथ की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखनाथ मंदिर के स्मृति सभागार में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शुभारंभ, भारत में एक नए युग का आरंभ विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में गोरखपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपीठ का श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में घनिष्ठ संबंध रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के संपूर्ण भारत वर्ष गौरवान्वित हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण एक नए युग का शुभारंभ है। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जो भगवान श्री राम के दिव्य आदर्शों से प्रभावित ना हो, भले ही उसकी शिक्षा क्यों ना विकृत शिक्षा प्रणाली में हुई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन 1528 ईस्वी से लेकर सन 2020 ईस्वी तक प्रत्येक कालखंड में चाहे सरकार किसी की ही और कैसी भी हो, क्यों ना हो, समाज निरंतर श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करता रहा है। लाखों श्री राम भक्तों के बलिदान और भारत की शाश्वत संत परंपरा के नेतृत्व में के बाद अब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वसम्मति से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का निर्णय और उसके पश्चात आम जन का उस निर्णय के प्रति सहर्ष सहमति भारतीय लोकतंत्र के शाश्वत मूल्यों व आदर्शों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम अपनी शाश्वत परंपरा और पूर्वजों के प्रति सम्मान से ही भारत देश का गौरवशाली वर्तमान और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सकारात्मक सोच जो लोक कल्याण के मार्ग से सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित है, वो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का ही पर्याय है। भारत की यशस्वी परंपरा में स्वार्थ नहीं परमार्थ का भाव है। उन्होंने कहा कि गोरखपीठ के पूर्व महंत द्वय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ के संकल्पों की सिद्धि भी मंदिर शुभारंभ के साथ हुई, जो भारत में राम राज की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए थे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने कहा कि जो राम साक्षात न्याय करुणा धर्म तथा शांति के शाश्वत विग्रह स्वरूप हैं, उन राम के मंदिर का शुभारंभ भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत समरसता व शांति के साथ होता है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सर्वेश्वर श्री राम की इच्छा ही है कि जिस समय भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है, उस समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उसी गोरखपीठ को प्राप्त है जो रामलला के प्रकट्य से लेकर जन्म भूमि मुक्ति आंदोलन तक निरंतर पूरे सनातन हिंदू समाज का नेतृत्व किया। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निदेशक डॉ ओम जी उपाध्याय, मुख्य अतिथि अनंत जगतगुरु स्वामी राधवाचार्य जी महाराज, पूर्व कुलपति एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज या यूट्यूब तथा गोरखपुर न्यूज चैनल व गोरखपुर न्यूज के यूट्यूब चैनल पर प्रसारण किया गया। निर्माण का शुभारंभ भारत में एक नए युग का आरंभ है। आज इस विषय पर, इस पावन विषय पर, इस लोक मंगलकारी विषय पर, इस लोक लुभावन विषय पर, इस मनहर विषय पर हम सब के बीच आज यह संगोष्ठी संपन्न होने जा रही है। हमारे इस सभागार में संतों द्वारा पूज्य महाराज के अपने आदर्श कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। वैदिक मंत्राचरण के लिए डॉक्टर रंगनाथ, डॉक्टर रंगनाथ Bye.
और इसके पश्चात में पाठ करने के लिए संस्कृत विद्यालय के साथ प्रांजल से पाठ प्रांजल हुआ वो हम सबके लिए
अपनी योगदान होगा, ऐसा हम सब लोग इकट्ठा करते हैं। जब रामलला प्रकट हुए उसमें 47 अधीश्वर उनके मन विनय विजय महादेव जय राम जय राम जय राम।
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज की सभा में विराजमान प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी एवं समस्त श्रोता को सोशल मीडिया के माध्यम से वक्त को समर्थ कर रहे सभी श्रोता को जो पुरुष ब्रह्मलीन महर्षि विजयनाथ जी महाराज की ज्ञानी प्रकृति के भाव अवसर पर एवं राष्ट्र ब्रह्मलीन महर्षि अवेद्यनाथ जी महाराज की छठी पुण्यतिथि के भाव अवसर पर ये साप्ताहिक धार्मिक वैचारिक एवं नैतिक विविध आयोजन आयोजित हो रहे हैं। इसी संदर्भ में भगवान श्री राम की पावन कथा भी चल रही है और आज इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तीन दिवस के जातक कार्यक्रम में जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया इसका विषय है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ भारत में 1 मई को हुआ। बहुत ही सुंदर और गंभीर और समसामयिक बिंदु पर चर्चा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है जिस पीठ के पूर्वाचार्यों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सतत आंदोलन किया और सड़क से लेकर संसद तक जिस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया आज उस पीठ के पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में अयोध्या का भी विकास हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन करके मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह एक नए युग का वास्तव में देश की आजादी के बाद हम लोग केवल पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में ही मजबूत हो गए और हम भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को इसके अस्तित्व को इसके मानदंडों को भूलते चले गए। उसकी उपेक्षा होकर चली गई और दुर्भाग्य यह भी था कि ऐसी सरकारें नहीं जिन सरकारों ने इन विषयों पर कभी विचार नहीं किया। धर्म निरपेक्षता का पालन करके केवल सनातन वैदिक संस्कृति के मानदंडों का हनन ही होता था और शिक्षा पद्धति के विषय में हमारे योगी सरकार ने कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति लागू हुई भारत निर्माण में डालेगी कि जिस शिक्षा पद्धति में हमारे दिमाग में ऐसी बातें बचपन से ही कर दी गई कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं होती। लाड मेटाले के शिक्षा पद्धति में पढ़कर डार्विन के विकासवाद को पढ़कर के हम यही समझते रहे कि ये सब तो विकासवाद पर चल रहा है। हम बंदर की संतान है, हमारे पूर्वज बंदर थे, उनकी पूछे हुआ करती थी और उनकी पूछ दिस गई पूछ निकल आई तो बात नहीं बन गई। डार्विन के इस विकासवाद को ही पढ़ करके हम लोग मूर्खता की ओर पढ़ते चले जा रहे थे। बंधुओं वैदिक संस्थान के अनुसार संपूर्ण शक्ति परमात्मा से उत्पन्न हुई है और वो परमात्मा उस आनंद तत्व से परमात्म तत्व से शक्ति की उत्पत्ति हुई और हमारे वैदिक सनातन संस्थान के अनुसार शक्ति में विकास बात नहीं है, सृष्टि में ह्रास बात का संस्थान माना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो विशेषता आज के पहले के पुरुषों में थी वो आज नहीं दिख रही। हमारी शक्ति कम हो रही है, हमारी शक्ति कम हो रही है, हमारी क्षमताएं घटती जा रही हैं। वस्तुओं में प्रकृति में जो पहले आनंद था जो असमान वो आज नहीं है। इन सारे दृष्टों को देख करके हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति में कहीं ना कहीं दासवाद दिखाई पड़ रहा है, विकासवाद की तो कल्पना मात्र। बंधुओं ऐसे समय में हम पुनः अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवन में धारण करें इसके लिए भगवान श्री राम का पावन मंदिर एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसका शुभारंभ एक नए विकास भगवान श्री राम भारत के पति भारत के पर्याय और भगवान श्री राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र की परिभाषा क्या है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की चर्चा साहित्यकालीन सत्र में हो रही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने राष्ट्र की परिभाषा बताई। जब भगवान श्री राम का वनवास होने लगा महारानी के कई ने बड़े कटु वचन कहे, सीता जी को बंधुवस्त्र पहनने के लिए
कई ने मजबूर किया इस विश्व को देखकर के महर्षि वशिष्ठ के हृदय में अपार पीड़ा हुई और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और क्रोध में आकर के महर्षि वशिष्ठ ने डांटते हुए की गई को कहा निदेशक सौर्य प्रशासन
संभावित है। एक बहुत ही समसामयिक संतोष की के साथ आप लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और खासतौर पर इस गीत का बहुत नजदीक का संबंध और संवाद से रामचंद्र जी आंदोलन से रहा हो उस अभियान के अवसर पर यह अवसर न केवल इस पीढ़ी को आचरण के पीछे तो पूरे भारतवर्ष के लिए अत्यंत ही अनुभूति करने वाला अवसर माना जाएगा। केवल एक घोषणा नहीं यह एक वास्तविकता भी देश में भी दुनिया में भी
होती है। न्यायपालिका के प्रति आम जन की श्रद्धा को एक बार पुनः व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है और जब यह कार्य आगे बढ़ता है तो हमने उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुरूप आगे के कार्यक्रम को भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस रूप में आगे बढ़ाया अवसर हम सब के लिए गौरवमय क्षण था। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया जाता है ये सचमुच एक नए युग का शुभारंभ भी है। ये नए युग का शुभारंभ इस रूप में एक कोई समाज अगर वो अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं व्यक्त कर सकता उसका आगे का कोई भविष्य नहीं हो सकता। उसका भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए आवश्यक है कि अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव श्रद्धा का भाव व्यक्त करे और श्रद्धा और सम्मान का यह भाव हमें निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा प्रदान करता है। 5 अगस्त 2020 की भी अपने पूर्वजों के प्रति राम भक्तों के प्रति उन वीर बलवानियों के प्रति जिन्होंने अपनी पौराणिक धरोहर को पुनः प्राप्ति करने के लिए अहर्निश संघर्ष किया बलिदान दिया उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो धाराएं हमेशा चल रही हैं स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में दो धाराएं एक साथ चलती हैं। एक धारा जो सकारात्मक पहल की होती है सकारात्मक सोच की होती है वो सकारात्मक सोच जिसमें परमार्थ है लोक कल्याण का भाव है और नाम की धारा जहां पर मैं और मेरा नहीं सर्वे भूत सुखिना सर्वे संत निरामया जहां पर सबका साथ और सबके विकास का भाव है यही तो राम राज्य की वास्तविक अवधारणा है। एक अवधारा है जिसने लोक कल्याण के लिए संकल्प किया और संकल्प इसलिए नहीं कि उन्हें अयोध्या से निकाला गया और संकल्प इस बात के लिए नहीं होता कि मैं अयोध्या की सत्ता मुझे प्राप्त होगी या मुझे किसी और सत्ता को प्राप्त करना निश्चयहीन परमाणी की इतना जो संकल्प है भारत की ज्ञान की समृद्ध परंपरा के संरक्षण का संकल्प है और उस संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब इस देश के अंदर राक्षसी दुष्ट प्रकृति को समाप्त करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं तो लोक कल्याण का प्रभाव उस रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास उस समय प्राप्त होता है। और इसके बाद नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है ये नारी गरिमा का भाव भी उन्होंने उस रूप में प्रस्तुत करके उस समय की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था वह युद्ध केवल अपने लिए नहीं लंका में रुके लिए उन्होंने लंका में विजय प्राप्त की लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे पहले ही उन्होंने विभीषण का विषय करवा दिया। विभीषण को वहां का राजपाट सौंप करके वापस अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आने के बाद भी हनुमान जी को अपना दूत बना करके भेजते हैं भरत के पास कि हो सकता है कि 14 वर्षों में भरत का मानस बदला हो और उसे अयोध्या की सत्ता चाह रही हो तो अब चाहता होगा कि अयोध्या की सत्ता का वो भोग करे
इसके लिए भगवान जी खूब बन करके जाते हैं कि अगर ये भाव उनके मन में है तो फिर मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा कि नहीं, परंतु राम की वापसी के लिए पूरे उपावले दिखाई दे रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वापस आगमन अयोध्या 14 वर्षों के बाद हुआ। ये लोक कल्याण का भाव इसके अंदर, इसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ का भाव है। और यही कार्य, वही कार्य का शुभारंभ इस देश के अंदर 26 मई 2024 को होता है, जब इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनती है। सरकार ने अपने कार्यक्रमों को सीमाओं के साथ रखा, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न कोई बात, न मत, न मजहब। Oh।
संरक्षण होता है और यह कार्य 5 अगस्त 2020 को स्वयं देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की उपस्थिति से आगे बढ़ना न केवल देश के पूज्य संतों के प्रति बल्कि राम भक्तों के प्रति भारत की परंपरा के प्रति एक सद्भाव सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर देता ही है, साथ साथ भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़ने का भी एक अवसर प्रदान करता है। इस क्षण में हम सबको इस बात का एहसास कराया कि भले ही संघर्ष कितना लंबा और कितना कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर उसके नियम में प्रमाण है, अगर उसकी नियम में धर्म का मत है, अवश्य सफलता प्राप्त होगी और 5 अगस्त 2020 को इस सफलता के मार्ग में मार्ग ने यह साबित करके एक बार फिर से दिखाया है। आज के इस अवसर पर वर्कस्पीड की इस परंपरा के लिए यह इस संवाद के माध्यम से जुड़ करके उन ऐतिहासिक भूमि में जाकर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में वे सहभागी बने, मैं वर्कस्पीड की ओर से वे हृदय से साधुवाद देता हूँ और जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य महाराज की पावन पथा आनंद पद से यहाँ पर यहाँ के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है। ये सारे कार्यक्रम वर्चुअल चल रहे हैं। कोविड-19 की लड़ाई को लड़ते हुए हम 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी भी यह कार्य अगले 1 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को हम लोग उन सभी विषयों को लेकर के जिनको लेकर के आचार्य हुए रमणी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, रमणी महंत वेदनाथ जी महाराज ने अपने पूरे जीवन पर्यंत दिग्विजयों के लिए जिन आदर्शों के लिए उन्होंने कार्य किया, संघर्ष किया, उन सभी विषयों को लेकर के संसारिक मुद्दों को लेकर के ये संगोष्ठियां प्रतिदिन यहाँ पर आयोजित होंगी। मुझे विश्वास है कि हम संगोष्ठियों के माध्यम से आचार्य श्रद्धांजलि व्यक्त करने में वर्कस्पीड के सभी सहभागियों को माणा शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रोफेसर रजनी शुक्ल जी, डॉक्टर ओम से उपाध्याय जी,
सरोवर 150 और भारी संख्या में लोगों ने 45 संवाद के माध्यम से जुड़कर के संगोष्ठी के साथ जुड़कर के इस परंपरा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। मैं आप सबको एक तरह से सौभाग्य देते थे आचार्य विवेकानंद की श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। प्रसारित की जा रही है और गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज और यूट्यूब से सुनी जा सकती है। कल प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी स्वच्छ भारत अभियान एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर आयोजित है, जिसके मुख्य वक्ता होंगे पूर्व औषध महानियंत्रक भारत सरकार डॉक्टर जी एन सिंह जी। इस सभा में ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।